Uses and abuses of policy-based research in comparative education. Now, the use of comparative educational research has both advantages and disadvantages. And we will look at what these are. Ek baat to bahut clearly samajh jani chahiye ke this concept of cross-national travel of education policy from one context to the other has become very common. It has become common because of the globalization, because of this interconnectedness, because of increased means of technological advancement. Ye to ek baat ho gayi. And also because of this consensus in educational goals. Kyunki sab, you know, there are several countries when you, for instance, when you sign MDGs or when you sign the Sustainable Development Goals, to aapke more or less educational goals ke andar ek consensus aa jata hai. Jab wo consensus aa jata hai, to the countries look at each other and try to find out what is the most efficient means of achieving those goals. And that is why if they find that some country is making progress, to wo wahan ki policy dusre apne mulk mein implement karne ki koshish karte hain. So there is also a sort of tension within this policy implementation. On the one hand, you have these globalized frameworks. Jab aap UNESCO ki koi report utha ke dekhen, तो आप ये देखेंगे कि एक ग्लोबलाइज्ड एजुकेशनल फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें डिस्कस किया गया कि व्हाट आर द बेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू एजुकेशन. एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर दीज लोकल कॉन्टेक्स्ट जिसमें एक चीज एक खास तरीके से चली आ रही है. सो देयर इज ऑलवेज अ टेंशन ऑफ हाउ टू गो अबाउट एजुकेशन व्हेन ग्लोबल इन्फ्लुएंस is becoming more and more. Ek bahut bada problem jo aata hai, jiski wajah se the use of comparative educational policy can change into an abuse of educational policy in comparative research, is that you take an educational policy from one country context and try to implant it in some other countries. Yahan pe meri murad ye hai, क्या आपने देखा कि फॉर इंस्टेंस श्रीलंका में लिटरेसी लेवल बहुत ज्यादा हाई है और वो एक खास तरीके से एजुकेशन को स्प्रेड कर रहे हैं, और आप समझें कि अच्छा इनका जो मॉडल है ये तो बेहतरीन मॉडल है, हम ऐसा करते हैं कि वही मॉडल उठा के एग्जैक्टली उसी तरह पाकिस्तान में ले आते हैं. नाउ व्हेन यू डू दैट एंड व्हेन यू डीकंटेक्चुअलाइज थिंग्स एंड व्हेन यू डोंट सी कि वो कौन से कंटेक्चुअल फैक्टर्स वहां पे हैं जिसकी वजह से वो पॉलिसी वहां पे कामयाब हो रही है, या कौन सी वो कॉन्टेक्चुअल पॉलिसी है जो के कॉन्टेक्चुअल चीजें हैं जो कि उस पॉलिसी में उन्होंने ख्याल में रखी हैं, जब आप उसको लेके एक दूसरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो इट विल ऑलवेज बी आर्टिफिशियल एंड इट माइट नॉट गिव यू द एजुकेशनल आउटकम्स दैट यू वुड लाइक टू अचीव. और ये एक बहुत बड़ा मसला है, और इसी वजह से जो यूज होता है कंपेरेटिव एजुकेशनल पॉलिसी का, वो तो बेसिकली उसका तो काम ही है होता है कि आप देखें कि कौन सी पॉलिसी किस तरह से कहाँ पे कामयाब हो रही है, और यू कैन लर्न फ्रॉम इट टू मेक योर ओन पॉलिसी मोर एफिशिएंट. बट वेन एवर इट इज डीकंटेक्चुअलाइज्ड, उसका जो प्री रिक्वेजिट है, उसका प्री रिक्वेजिट ये है कि आप कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दें, आप कॉन्टेक्चुअल फीचर्स को आपस में कंपेयर करें दो कंट्रीज के. जब आप वो प्री रिक्वेजिट फुलफिल नहीं करते तो दैट यूज ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन चेंजेस इनटू अब्यूज ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशनल रिसर्च एंड इट डज नॉट गिव यू दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट यू वांट टू डू. एंड एट टाइम्स एट पॉलिसी मेकिंग लेवल यू माइट बी कन्फाउंडेड कि वजह क्या हो गई कि हमने वही पॉलिसी की है और हमारे रिजल्ट डिफरेंट आए. पॉलिसी मेकर्स समटाइम्स बिकम एडमेंट कि नहीं यही पॉलिसी बेहतर है. सो वंस अ पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड, याद रखिए इसको इम्प्लांट जब यह हो जाती है तो इसको अपरूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एंड इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ केओस. सो वी हैव टू बी केयरफुल दैट हाउ द यूज ऑफ कंपेरेटिव एजुकेशनल पॉलिसी कैन चेंज इन टू अब्यूज़.